उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर जिला में निषेधाज्ञा के दौरान लोगों का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रशासन लोगों की प्रत्येक आवश्यकता को घर द्वार पर ही पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि जिला में 470 बिस्तर क्षमता के 23 संस्थागत संगरोध एकांत क्वारंटीन आइसोलेशन सुविधा स्थापित किए गए हैं। इन विभिन्न सुविधा स्थलों में इसमें 68 लोग रखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश की 14 दिन की अवधि पूरी होने वाली है। इसके अलावा जिला में कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा कर लौटे कुल 295 लोगों में से 174 ने अपनी निगरानी अवधि पूरी कर ली है और 114 लोग अभी निगरानी में हैं। 7 लोग पहले ही जिला से प्रवास पर बाहर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में फिलहाल कोरोना वायरस से स्थिति कंट्रोल में है। हमने 23 प्लेसेस पे 1470 की क्वारंटीन फैसिलिटी क्रिएट की थी, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की। उसमें से अभी 68 लोग है 5-6 जगह पे, तो उन पे लगभग सभी ने 8-10 दिन का, 90% लोगों ने, किसी के 10 दिन, किसी के 11, किसी 12 दिन, उनको 14 डेज इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में रखना है, वो कर लिया है। और उसके अलावा भी हम लोग जो आइसोलेशन के रेस्पेक्ट में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पोटा का राधास्वाम वाला हॉस्पिटल हो, या एनी इंस्टीट्यूशन जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको लेके अपनी तैयारी पूरी की हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, MS मेडिकल कॉलेज और CMO के साथ परसों भी हमने मीटिंग की थी। कल भी राधास्वामी कहीं बोटा हॉस्पिटल है, वहाँ उसका निरीक्षण किया था जॉइंटली, और क्या हम लोग उसमें ऑगमेंटेशन कर सकते हैं फैसिलिटी में। सो इन केस ऑफ नीड सेकेंडरी फैसिलिटी हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हम ड्यूटी का रोस्टर भी टीम बना रही है। इसको मेडिकल कॉलेज की MS की सुपरविजन में इसका सारा दे टेक दी चार्ज होता है हॉस्पिटल, और फर्दर जो जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। थैंक यू।